दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर होगी जो है डीवॉर्मिंग। डीवॉर्मिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है पर फिर भी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कहा कि भैया डीवॉर्मिंग बताओ थोर की कैसे कर रहे हो आप, तो मैं इसलिए आपको थोर की बता देता हूँ कि थोर की डीवॉर्मिंग कैसे चल रही है। पहले सबसे पहले तो ये वैक्सीनेशन कार्ड आप सब जाने के होंगे, थोर का वैक्सीनेशन कार्ड है, रुक जाओ थोर एक सेकंड। तो इसके अंदर एक अलग से पेज बना हुआ है डीवॉर्मिंग का, तो आप सबको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी एक जगह नोट कर लो कि आपने जो भी आपका पेट है या आने वाला पेट है उसकी डीवॉर्मिंग किस किस टाइम पे कौन कौन सी डेट पे हुई है, ठीक है, ताकि मतलब इन दोनों टाइम के बीच में कितना गैप हो गया इन दोनों डेट्स के बीच में, तो ये पता चल जाए। तो सबसे पहले डीवॉर्मिंग होता क्या है और डीवॉर्मिंग क्यों करी जाती है। जो पैरासाइट्स होते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ना खुद जिंदा नहीं रह सकते, उनको होस्ट की जरूरत होती है। तो वो जैसे टिक्स वगैरह होती है वो भी पैरासाइट्स में गिनी जाएगी, तो वो अपर बॉडी में होती है, पर जो अंदर जो होती है ना अंदर इनर बॉडी में उनको पैरासाइट्स, जो वो वाले पैरासाइट्स होते हैं उनके अंदर एक वॉर्म्स होते हैं, एक कैटेगरी होती है, उन वॉर्म्स को मारने के लिए हम डीवॉर्मिंग करते हैं। तो ज्यादातर जो ये जो वॉर्म्स होते हैं ये इंटेस्टाइन में होते हैं, डॉग्स के और कैट्स के इंटेस्टाइन में अपने आप ही पैदा हो जाते हैं ये, तो इनको मारने के लिए हम डीवॉर्मिंग करते हैं। और इन्हें मारना जरूरी इसलिए होता है कि अगर जैसे आपने कई बार देखा होगा कि लोग कहते हैं कि हम तो न्यूट्रिशन पूरा देने लग रहे हैं अपने पेट को पर वो मतलब हेल्दी नहीं होने लगा, वेट गेन नहीं कर रहा, तो वो इस वजह से होता है कि आधा खाना तो वो ही खा जाते हैं वॉर्म्स इसका और आधा इसको मिलती है, आधा न्यूट्रिशन मिलती है, तो इस वजह से पूरी बढ़िया ग्रोथ नहीं आती डॉग की और बीमारियां भी हो सकती है जैसे हेयर लॉस वगैरह और मतलब कि ये लूज मोशन, डायरिया वगैरह बहुत सारी चीजें हो सकती है इसकी वजह से। तो इसलिए डीवॉर्मिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हुक वॉर्म हो गया और ऐसे ऐसे वॉर्म्स होते हैं वो इंटेस्टाइन में मिलते हैं, उनको मारने के लिए डीवॉर्मिंग करते हैं। तो अब मैं बताता हूँ शेड्यूल और प्रोसेस क्या होता है। जैसे थोर को तो मैं ये देने लग रहा हूँ, जो ये वाली जो है टैबलेट्स है ये, इसके अंदर इसमें साफ लिखा हुआ है ये 10 केजीज के ऊपर एक टैबलेट देनी है, ठीक है। अब जैसे थोर तो बड़ा हो गया, ये 10 केजी प्लस है, तो इसलिए मैं इसको टैबलेट्स दे रहा हूँ, नहीं तो जो छोटे बच्चे होते हैं 2 महीने से छोटे उनको हमें जो लिक्विड में होती है डीवॉर्मिंग ML, एक बॉडी वेट के ऊपर 1 kg बॉडी वेट के ऊपर 1 ml दी जाती है, तो वो आपको मैं फोटो भी दिखा दूंगा, नहीं बहुत सारी आपको मेडिकल हॉल में बहुत सारी मिल जाएगी, वो कौन सी बहुत सारी कंपनीज की आती है। तो इस तरीके से जैसे अब थोर का बॉडी वेट ऑलमोस्ट 14 kg हो गया है इसका, तो इसको मैं 1.5 ये जो टेबलेट है वो दे देता हूँ। जैसे मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कैसी टेबलेट है, ये होती है देखो, ये टैबलेट्स है, इसमें टैबलेट दे दो इसको। हाँ, और एक और बात, मेन बात कि देनी कब होती है, ज्यादातर डॉक्टर वेट रिकमेंड यही करते हैं कि जो रात का खाना होता है उसके खाना देने के बाद 1 घंटे बाद आप इसको गोली दे दो, ये जो अपने टेबलेट है ये दे दो, और उसके बाद 1 घंटे तक इसको खाना कुछ नहीं देना, मतलब आगे कुछ भी ना दे दो। तो इससे इसका मतलब यही है कि आप रात को दे दो इसे, तो वो ज्यादा सही रहेगा ना। तो खाने से टैबलेट देने से 1 घंटे पहले खाना नहीं खाना चाहिए और एक टैबलेट देने से 1 घंटे बाद तक कुछ खाना दीजिए, तो बढ़िया काम करेगी। अब बात करते हैं शेड्यूल की, कि शेड्यूल क्या शेड्यूल होना चाहिए। ज्यादातर वेट, जैसे जो वेट जिसके पास मैं थोर को लेके जाता था, उन्होंने मुझे रिकमेंड करा है कि आप जब तक डॉग 3 months का नहीं हो जाता तो 12 days के गैप में आप डिवॉर्मिंग करो इसकी। 3 months का जब हो जाएगा उसके बाद उन्होंने यूं कहा था कि एक बार 15 से 20 दिन की करो और उसके बाद फिर आप पर मतलब 1 महीने बाद करने लग जाना, एक डोज करने के बाद 1 महीने बाद, मतलब कि 1 महीने का गैप देना है 6 months तक जब तक ये नहीं होता, और जब 6 months का हो जाएगा उसके बाद 3 months का गैप देके चलना है, 1 year का पीरियड बता दिया मैंने, ये शेड्यूल है इसका। और नहीं बेटे तो ये रहा थोर। हाँ ठीक है, अब कई लोग यूं कहते थे कि भोगता नहीं है। हाँ ठीक है ठीक, रुक जा, ये एग्रेसिव नहीं हो रहा है, ये बुला कह रहा छोड़ दे बस, बहुत हो गया। तो ये रहा थोर, थोर की नई चैन देख लो आप, गोल्डन कलर में चैन है इसकी।
का व्लॉग, थोर का व्लॉग एक दो दिनों में आने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग आएगा। उसके अंदर एक और रॉटवाइलर पपी से मिला है, वो 2 मंथ्स का था, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा वो। हाँ, और जो लोग फिश पॉन्ड का अपडेट कह रहे थे कि भैया फिश पॉन्ड का अपडेट बताओ, तो फिश पॉन्ड पे एक थोड़ा काम चल रहा है जो मैंने पहले ही सोचा। जो पीछे बैकयार्ड है वहां पे प्रॉपर प्लांट्स वगैरह लगा के, वहां पे ग्रास वगैरह लगा के प्रॉपर माहौल सेट करें। और थोड़ा हमारा मौसम भी खराब चल रहा है, बारिश ज्यादा हो रही है इधर, तो उस टाइम में ना मतलब इतना अच्छा नहीं है हम फिश डाले उसके अंदर, तो वो थोड़ा सा डिले कर दिया। वो करेंगे पर थोड़ा सा डिले कर दिया, पहले एक बार हम वो पूरा स्पेस तैयार करने लग रहे हैं ताकि मतलब कि अच्छा लगे वहां पे, तो वो हो जाएगा तो फिर आपको अपडेट कर देंगे हम। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है, और कमेंट्स में बताना कि अगर ये आपको अच्छी लगी वीडियो या फिर आपको थोड़ी भी मतलब कि यूजफुल लगी है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।